हेलो फ्रेंड्स, माई भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मैं वनीला आइसक्रीम। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और इसकी सारी हम जानकारी आपको शेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या मिलाया है, कैसी वीडियो मैंने बनाई है। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैंने ली एक कढ़ाई, कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दी, अभी गैस ऑन नहीं की है। और मैंने लिया है ये 1 लीटर दूध। इतना सा दूध हम बचा के रखेंगे और अभी हम इसी समय इसमें 1/2 स्कूप डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे पहले, इससे कोई लम्स ना पड़े। पाउडर तो हमने इसमें मिल्क पाउडर अच्छे से मिला लिया है, देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ये मैं दूध जो बचाया था वो मैंने लिया है, यहाँ पे 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर है। अब मैं दूध इसमें डाल दूंगी और इसका एक घोल बना के तैयार कर लेती हूँ, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो देखिए हमारा ये घोल बन के तैयार हो चुका है और अब मैं इसी में इसको ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा सा है, इसको भी। और अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी और अब हमें दूध को बिल्कुल भी अकेला छोड़ना नहीं है, इसको बराबर ऐसे ही चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक चलाया है। तो देखिए हमारा कितना अच्छा गाढ़ा होने लगा है और अच्छे से खदक रहा है। अब इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें चीनी, और चीनी मैंने ली है 250 ग्राम। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर आइसक्रीम में चीनी थोड़ी अच्छी ही लगती है फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हमारा मिठास कम हो जाती है, इसलिए चीनी हमने इसमें 250 ग्राम यूज किया है। और अभी हम इसको थोड़ा और चलाएंगे। 1 मिनट चलाने से हमारी ये शक्कर भी अच्छे से घुल चुकी है और अब हम इस समय डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस। तो मैं इसमें ये 1 चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अभी मैं इसको थोड़ा और 1 से 2 मिनट तक चलाऊंगी, इसके बाद गैस बंद कर दूंगी। तो अब हम गैस बंद कर देंगे फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, देखिए। और अब हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, तो हम ठंडे होने के बाद मिलेंगे आपसे आगे के प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटे में हमारा ये दूध का मिश्रण एकदम से ठंडा हो चुका है और देखिए इसमें कितना थिकपन सा आ गया है। और अब हम आगे चलते हैं, मुझे क्या करना है अभी हम लेंगे। तो अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, बड़ा सा है, और इसमें हम डालेंगे ये दूध की मलाई एकदम फ्रेश, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये हमारा जो दूध का मिश्रण है ना आइसक्रीम वाला, वो इसमें मैं डाल दूंगी। अब मैं इसको मिक्सी में अच्छे से फेंट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से फेंट ली है, देखिए कितना झाग सा ऊपर आ गया है, बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और अब मैं इसको फ्रीजर में रखूँगी। तो इस तरह से मैंने आइसक्रीम बॉक्स लिया है, इसमें इसको डाल दूंगी। और ये बिल्कुल एयर टाइट है, इसलिए इसमें मुझको कोई एल्युमिनियम फॉल वगैरह कुछ नहीं लगानी है। ऐसे ही करके मैं इसको जमने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अब मिलेंगे हम इसको 3 से 4 घंटे के बाद, जब तक ये जम जाएगी तब हम आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 6 घंटे बाद ये आइसक्रीम बॉक्स बाहर निकाल लिया है फ्रीजर से और अब मैं देखती हूँ। ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितने अच्छे से जम चुकी है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी, थोड़ा सा इसको पानी में घुमा के। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पानी में इसको थोड़ा घुमा दिया है और हम इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने बाहर निकाल ली है और मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी जम चुकी है और इसको मैंने कट करके भी आपको दिखाया है। तो आप बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आइसक्रीम ये बहुत जल्दी बनने वाली है और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।